चाची ने बोला कि दी का कोई फोन नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि दी किसी मुसीबत में है। क्योंकि अगर दी एयरपोर्ट पहुंची तो चाची को जरूर फोन करती, क्योंकि उनका कोई फोन आया भी नहीं और उनका फोन लग भी नहीं रहा है, ना ही जीजू का ना ही दी का। शालू शुभ शुभ बोलना। बानी मैं भी शुभ शुभ ही बोलना चाहती हूँ, सोचना भी शुभ शुभ चाहती हूँ, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। आयुष एयरपोर्ट और कितना दूर है? बस थोड़ा दूर और है। अरे आज फिर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब कोई वहाँ पर है? आज फिर से एक्सीडेंट? साला जगह ही पनौती है, यहाँ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। चलो आओ जाके देखते हैं। चलो चलो। तू पुलिस को इन्फॉर्म कर क्या? मैं नीचे जाके देखता हूँ कोई जिंदा है कि नहीं, भगवान करे कोई जिंदा हो। जा। ठीक है। यहाँ तो कोई नहीं है। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, जैसा आपने भाग्य में लिखा था मैंने वैसा ही किया। लक्ष्मी कहती रहती है कि जैसा आपने भाग्य में लिखा है वही होता है, लक्ष्मी के भाग्य में तो कभी ऋषि था ही, इसलिए दूर कर दिया ऋषि को, मार डाला मैंने ऋषि को। लेकिन आपने आपने एक चीज सही नहीं की, आपने मेरे ही हाथों मेरे प्यार को मरवा दिया, आपने मजबूर किया मुझे, ऐसा करना नहीं चाहती और चाहते क्या, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगी, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। ऋषि ने बहुत गलत किया मेरे साथ, बहुत गलत किया, धोखा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, दिल टूट गया मेरा। वही दिल जिस दिल के हर एक टुकड़े पे सिर्फ ऋषि था, उस दिल के हर एक टुकड़े ने चिल्ला चिल्ला के मुझसे कहा कि मैं ऋषि को मार दूं, और मैंने मार दिया। बहुत प्यार करती थी मैं ऋषि से, प्यार करती थी, बेशुमार प्यार करती थी, लेकिन ऋषि उसने कभी समझा ही नहीं। वो मेरी लाइफ में ये दिन ले आया कि उसने मेरी लाइफ ही खत्म कर दी, लेकिन आपने क्यों किया ऐसा? क्यों किया उसे मुझसे दूर? क्यों किया बोलियो ना? और ऐसा दूर किया कि वो कभी मेरी जिंदगी में वापस आ भी नहीं सकता। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने प्यार की जान ले ली, इन्हीं हाथों से ये वही हाथ है जिन्होंने ऋषि को थामा, उसके प्यार को थामा, अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसकी जान ले ली। क्यों किया ऐसा? बोलियो ना।